गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ चुके हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। मैं समझता हूं कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण। लेसन नंबर टू हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जंतु जगत का वर्गीकरण। देखिए, लेसन नंबर हमारा सेकंड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत का वर्गीकरण इस टॉपिक पर, इस चैप्टर पर हम आज आपसे बात करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्गीकरण क्या है, ठीक है। देखिए, हमने आपको बताया पिछली कक्षा में कि जीवों को समानता और असमानता के आधार पर समूहों में बांटा गया है, या जीवों को समानता और असमानता के आधार पर बांटा गया है, उसे वर्गीकरण कहते हैं। देखिए, मानव सभ्यता जब से प्रारंभ हुई है तभी से जीवों का वर्गीकरण हमारे वैज्ञानिक करते हुए आ रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक अब तक बहुत सारे वर्गीकरण पद्धति दे चुके हैं। जैसे आपको हम बता दें, द्विजगत पद्धति, त्रिजगत पद्धति, चतुर्जगत पद्धति, पंचजगत पद्धति। तो कहने का मतलब है कि जब से हमारी पृथ्वी या हमारी सभ्यता प्रारंभ हुई है, तभी से ही, जब से मानव सभ्यता का आरंभ हुआ है, तभी से ही क्या है, हमारे वैज्ञानिक क्या काम कर रहे हैं, उन जीवों का वर्गीकरण कर रहे हैं। वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी पहचान करना चाहते हैं, उनका नामकरण करना चाहते हैं, उनके लक्षणों के बारे में जानने के लिए और उनका मानव कल्याण के लिए क्या लाभ है, इसलिए उन जंतुओं का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। आपको हम बता दें, सर्वप्रथम अरस्तु नामक एक वैज्ञानिक था। मैंने आपको पहले भी फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु इज नोन एज ए फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, ठीक है। सर्वप्रथम अरस्तु ने भी जीवों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया, और उन्होंने जीवों का वर्गीकरण जो किया था वो वैज्ञानिक मापदंडों के अनुसार किया। वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर वैज्ञानिक मापदंडों के अनुसार उन्होंने क्या किया था, जीवों का वर्गीकरण किया, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया। इन्होंने सर्वप्रथम पादपों को आकार की लक्षणों के आधार पर, आकारिकी लक्षणों के आधार पर, ठीक है,
आकार के लक्षणों के आधार पर पादपों को कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में बांटा है। ठीक है, अरस्तु ने पादपों को आकार के लक्षणों के आधार पर कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में बांटा है। नंबर एक, साथ साकीय पौधे होते हैं, ठीक है। दूसरे जो पादप होते हैं उन्हें झाड़ी, और तीसरे प्रकार के जो पादप होते हैं जो बहुत ही विशाल काय होते हैं उन्हें कहते हैं वृक्ष। हार्व, सार्व और वृक्ष को क्या बोलते हैं? ट्रीज के नाम से जानते हैं। तो अरस्तु ने पादपों को आकार के लक्षणों के आधार पर साग, झाड़ी और वृक्ष के अंदर क्या है? बांटा। उसके पश्चात अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने ही जंतुओं को लाल रक्त की उपस्थिति, ठीक है, इन्होंने जंतुओं का भी क्या किया है? वर्गीकरण किया है। जंतुओं का भी क्या किया है? इन्होंने वर्गीकरण किया है। और इन्होंने जंतुओं के लाल रंग, ठीक है, जंतुओं का जो लाल रंग का रक्त होता है या जंतुओं के लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, जंतुओं को लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। किसके आधार पर बांटा है? लाल रक्त की उपस्थिति के आधार पर और अनुपस्थिति के आधार पर इन्होंने जंतुओं को दो भागों में बांटा है। देखिए, पहला है एनेइमा, ठीक है, और दूसरा है इनेइमा। एने का अर्थ होता है एब्सेंट, ठीक है, अर्थात ऐसे जंतु जिनके रुधिर का रंग लाल नहीं होता है, अर्थात जिनका रुधिर का रंग, ठीक है, क्या है? लाल नहीं होता है, अर्थात लाल रक्त क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है, ऐसे जंतु जिनके रुधिर का रंग लाल नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? एनीमिया, जैसे आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, मोलस्का वर्ग के जंतु होते हैं, इंसेक्टा वर्ग के जंतु होते हैं, ठीक है। इनेइमा का अर्थ होता है कि ऐसे जंतु जिनके रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। मानव के रुधिर का रंग कैसा होता है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, लाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नामक एक श्वसन वर्णक उसमें क्या है? पाया जाता है। तो इनेइमा में कौन आते हैं? हम लोग आते हैं, मनुष्य आता है। मनुष्य किस में आता है? स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत। विभिन्न प्रकार के पक्षी आते हैं, ठीक है। तो आपको बता दूं, इनेइमा वे जंतु होते हैं जिनके रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है, उसे इनेइमा, और वे जंतु जिनके रुधिर का रंग लाल नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? एनेइमा कहा जाता है। देखिए, ये तो हमने केवल अरस्तु के वर्गीकरण के बारे में आपसे बात किया। जीव के वर्गीकरण की कई पद्धतियां प्रचलित है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जीवों के वर्गीकरण की कई पद्धतियां जो है वो प्रचलित है, लेकिन इनमें से, ठीक है, केवल दो वर्गीकरण पद्धतियां जो है, केवल दो वर्गीकरण जो पद्धतियां हैं, उन दो वर्गीकरण पद्धतियों को हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा व्यापक रूप से उन्हें क्या किया है? उन्होंने स्वीकार किया है। केवल दो वर्गीकरण की पद्धति को ही हमारे वैज्ञानिकों ने मान्यता प्रदान की है, ठीक है। अब वो कौन सी वर्गीकरण की पद्धतियां हैं दो, ठीक है, तो वर्गीकरण की बहुत सारी पद्धतियां हैं, परंतु वर्गीकरण की ये दो पद्धतियां हैं वो सर्वाधिक रूप से क्या है, हमारे वैज्ञानिकों ने क्या है, ज्यादातर वैज्ञानिकों ने उन्हें मान्यता प्रदान किया है। पहली है जिसको बोलते हैं द्विजगत वर्गीकरण पद्धति, द्विजगत वर्गीकरण पद्धति, ठीक है, और दूसरी है पांच जगत वर्गीकरण पद्धति, वर्गीकरण पद्धति। द्विजगत वर्गीकरण पद्धति को हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना,
द्विजगत वर्गीकरण जो पद्धति होती है इसको कहा जाता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन सिस्टम और पांच जगत वर्गीकरण का पद्धति को कहते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये दो वैज्ञानिक ये वर्गीकरण की ये दो पद्धतियां हैं वो सर्वाधिक रूप से मान्य है और प्रचलित भी है। वैसे बहुत सारी पद्धतियां प्रचलित है परंतु उन पद्धतियों में से केवल ये दो पद्धतियां हैं वो सर्वाधिक रूप से सर्वाधिक वैज्ञानिकों के द्वारा इन दोनों को क्या दिया है मान्यता प्रदान की है, इनको स्वीकार्यता प्रदान की है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं द्विजगत वर्गीकरण पद्धति के बारे में। आपको हम पहले ही बता चुके हैं द्विजगत वर्गीकरण जो पद्धति दी गई है वो कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई है। द्विजगत वर्गीकरण पद्धति किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई है? कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने द्विजगत वर्गीकरण पद्धति क्या है प्रदान की है। या हम कह सकते हैं द्विजगत वर्गीकरण पद्धति का प्रतिपादन कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने किया, इसलिए इन्हें वर्गीकरण का क्या कहा जाता है पिता या जनक भी कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का क्या कहा जाता है जनक भी क्या है कहा जाता है। इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को कैरोलस लिनियस ने संपूर्ण जीव जगत को दो जगतों में बांटा है। कितने जगतों में बांटा है? दो जगतों के अंदर बांटा है। आप कौन कौन से जगत हैं उन पर हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए कैरोलस लिनियस ने संपूर्ण जीव जगत को दो जगतों में बांटा है, पहला है पादप जगत और दूसरा कौन सा है जंतु जगत। पहला हो गया पादप जगत और दूसरा कौन सा है जंतु जगत। देखिए पादप जगत में इन्होंने क्या बताया मैं आपको बता दूं। इन्होंने पादप जगत के अंदर ठीक है देखिए जीवाणु बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, शैवाल कवक ठीक है, ब्रायोफाइटा टाइडोफाइटा जिम्नोस्पर्म और साथ में हमारे कौन से पादप होते हैं एंजियोस्पर्म जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी उन्हें कहा जाता है, पुष्पीय पादप भी उन्हें क्या है कहा जाता है। तो पादप जगत के अंदर क्या है जीवाणु आते हैं, शैवाल आते हैं, कवक आते हैं, ब्रायोफाइटा आते हैं, टाइडोफाइटा आता है, जिम्नोस्पर्म आते हैं और एंजियोस्पर्म आते हैं। ठीक है, तो ये पादप जगत के अंदर इन सभी को क्या है शामिल किया गया है। देखिए बैक्टीरिया बैक्टीरिया है, शैवाल जिनको एल्ग के नाम से जानते हैं, तीसरा है फंगी जिनको कवक के नाम से जाना जाता है, चौथा है ब्रायोफाइटा ठीक है, पांचवा है टेरिडोफाइटा टेरिडियोफाइटा ठीक है, अगला है जिम्नोस्पर्म जिन्हें अनावर्त बीजी पादपों के नाम से जाना जाता है ठीक है, और जिन्हें अपुष्पीय पादप भी कहा जाता है, और लास्ट आपको बताते हैं एंजियोस्पर्म जिन्हें पुष्पीय पादप भी क्या है कहा जाता है। तो इस पादप जगत के अंतर्गत ये सभी क्या है आते हैं, कौन आते हैं बैक्टीरिया भी आते हैं, शैवाल भी आते हैं, कवक भी आते हैं, ब्रायोफाइटा भी आते हैं, टेरिडोफाइटा भी आते हैं, जिम्नोस्पर्म भी आते हैं, एंजियोस्पर्म भी आते हैं। देखिए कैरोलस लिनियस ने जंतुओं को ठीक है जंतुओं का भी इन्होंने वर्गीकरण और इस जगत में इन्होंने सभी जंतुओं को रखा है ठीक है, चाहे प्रोटोजोआ संख्या हो चाहे पॉलीफेरा के हो चाहे कीट के हो चाहे स्पंजी जंतु हो चाहे स्तनधारी हो चाहे पक्षी वर्ग के जंतु हो चाहे मत्स्य वर्ग के जंतु हो, इन सभी को क्या है किस में रखा है इन्होंने एनिमल किंगडम के अंदर क्या है रखा है। वैसे मैं आपको बता दूं जंतु जगत को मुख्य रूप से दो भागों में कशेरुक दंड के आधार पर बांटा गया है। जंतु जगत को ठीक है जंतु जगत को कितने भागों में बांटा गया है
दो भागों में बांटा गया है, किसके आधार पर, कशेरुक दंड के आधार पर। पहला मैंने आपको बताया था नॉन कोर डेटा, नॉन कोर डेटा या इन्हें बोलते हैं अपृष्ठवंशी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और दूसरे होते हैं पृष्ठवंशी, जिन्हें क्या कहते हैं, कोर डेटा कहते हैं। नॉन कोर डेटा है उसे नौ संघों में बांटा गया, ठीक है। नॉन कोर डेटा को कितने संघों में बांटा गया है, नौ संघों में बांटा गया है। मैं आपको बता दूं वो कौन कौन से संघ है जो आप लेसन नंबर फोर में पढ़ेंगे, इन सभी के बारे में डिटेल से हम अध्ययन करेंगे लेसन नंबर फोर में, ठीक है। देखिए उनका नाम का मैं एक सूत्र बता रहा हूं, प्रियंका चोपड़ा का, ठीक है, पी ए आ आ मेरे पास। पी का अर्थ होता है प्रोटोजोआ, प्रियंका चोपड़ा का पी है आ आ मेरे पास, पी फॉर प्रोटोजोआ। क्योंकि इनको हम क्यों एक सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं, क्योंकि कई बार आपको इनका क्रम से नाम पूछ लिया जाता है, कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका नाम कैसे पूछ लिया जाता है, क्रमबद्ध तरीके से पूछ लिया जाता है। तो वहां पर हमें ये सूत्र क्या है, अच्छी तरीके से काम में आते हैं, पी फोर प्रोटोजोआ। और दूसरा पी फोर होता है पोरिफेरा, पोरिफेरा। फिर उसके बाद आता है सीलेंट्रेटा, उसके बाद आता है प्लेटी हेलमेंथेज, प्लेटी हेलमेंथेज एस के हेलमेंथेज, हेलमेंथेज। उसके बाद आता है एनिलिडा, आर्थोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो ये आप क्या है, नॉन कोर डेटा के, नॉन कोर डेटा को कितने संघों में बांटा गया है, इन संघों में बांटा गया है। कोर डेटा को पांच किसमें बांटा गया है, वर्गों के अंदर बांटा गया है, ठीक है। पांच वर्ग कौन से हैं, इनका सूत्र मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर शॉर्टली आप याद रखना एम ए आर ए पी, ठीक है। एम का अर्थ होता है मैमेलिया, जिनको बोलते हैं स्तनधारी, ए फोर एबीज, जिनको बोलता है पक्षी वर्ग, आर फोर होता है रेप्टिलिया, जो रहने वाले होते हैं, जिन्हें सरीसृप के नाम से जाना जाता है, ए फोर एम्फीबिया, जो जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं, जिन्हें उभयचर के नाम से जाना जाता है, पी फोर होता है पिसीज। तो ये कोर डेटा के अंतर्गत आते हैं। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि द्विजगत वर्गीकरण पद्धति कैरोलस लीनियस के द्वारा दी, और कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का पिता या जनक कहा जाता है, ठीक है। कैरोलस लीनियस ने संपूर्ण जीव जगत को दो जगतों में बांटा है, एक है पादप जगत, दूसरा है जंतु जगत। पादप जगत के अंतर्गत ये सभी आते हैं, और जंतु जगत के अंतर्गत ये सभी जंतु क्या है, सभी संघ और वर्ग के जंतु क्या है, आते हैं। देखिए इसके बाद हम आपसे बात करने जा रहे हैं पांच जगत वर्गीकरण पद्धति। देखिए इनके बारे में हम डिटेल से जो अध्ययन करेंगे, ठीक है, कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा। कोर्डेटा को पांच उप यानी कि वर्गों में बांटा गया है, फाइव क्लासेज में बांटा गया है, और इनका अध्ययन हम लेसन नंबर फोर में करेंगे, ठीक है, इसलिए अब हम इन पर बात नहीं कर रहे हैं। देखिए अब सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो है पांच जगत वर्गीकरण पद्धति। देखिए पांच जगत वर्गीकरण पद्धति पर आपसे बात करने जा रहे हैं। पांच जगत वर्गीकरण पद्धति, पांच जगत वर्गीकरण पद्धति, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, पांच जगत वर्गीकरण पद्धति, इज इट राइट? देखिए अब हम बात करते हैं पांच जगत वर्गीकरण पद्धति किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई। देखिए पांच जगत वर्गीकरण पद्धति 1969 यानी कि 1969 में एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था आर एच विटेकर नाम के वैज्ञानिक ने ये पांच जगत वर्गीकरण पद्धति दी। आपसे पूछा जाए कि द्विजगत वर्गीकरण पद्धति किसने दी, कैरोलस लिनियस ने। आपसे पूछा जाए कि पांच जगत वर्गीकरण पद्धति किसने दी, तो आपको बता दें पांच जगत वर्गीकरण पद्धति आर एच विटेकर नामक वैज्ञानिक ने। आपको मैं बता दूं पांच जगत वर्गीकरण जो पद्धति है उसके प्रमुख आधार पर बात करेंगे, फिर उनके प्रकारों पर हम बात करेंगे, ठीक है, कि भाई पांच जगत वर्गीकरण पद्धति के कौन कौन से आधार हैं, ठीक है। हम एक तो इस पे बात करेंगे और दूसरा है कि इन्होंने यानी कि आर एच विटेकर ने जो पांच जगत वर्गीकरण पद्धति दी है जिसमें इन्होंने जीव जगत को कितने भागों में बांटा है, पांच भागों में बांटा है, उन पर आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सुनिए कि आर एच विटेकर नामक वैज्ञानिक ने जीव जगत को पांच जगतों में क्या है, बांटा है। आर एच विटेकर ने जीव जगत को कितने जगतों में बांटा है, पांच जगत में बांटा है। पांच जगत कौन कौन से हैं आपको मैं बता दूं, पहला हो गया मोनेरा, दूसरा हो गया प्रोटिस्टा, मोनेरा, सेकेंड वन प्रोटिस्टा, तीसरा हो गया फंगी या जिनको हम बोलते हैं कवक, चौथा होता है प्लांटे PLANTAE और चौथा होता है एनिमेलियम, ठीक है, या एनिमेलिया भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो आर एच विटेकर ने जीव जगत को कितने भागों में बांटा है, पांच जगतों में बांटा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलियम। इस चैप्टर में हम इन्हीं पांचों जगतों का विस्तृत रूप से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी कैन स्टडीड ऑल दीज किंगडम्स, ठीक है, वी कैन स्टडी ऑल दीज किंगडम्स। देखिए अब हम आपको बात करते हैं कि भैया ये आर एच विटेकर ने जीव जगत को पांच जगतों में बांट दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलम का। अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो पांच जगत वर्गीकरण पद्धति है इसको पांच भागों में किस आधार पर आर एच विटेकर ने बांटा है, ठीक है, ऑन विच बेसिस फाइव किंगडम इज डिवाइडेड इन फाइव किंगडम्स, ठीक है, या एनी और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इन फाइव किंगडम्स। इसलिए पांच जगत वर्गीकरण के प्रमुख आधार पर आपसे बात करने जा रहे हैं, पांच जगत वर्गीकरण के आधार। देखिए पांच जगत वर्गीकरण के आधार कौन कौन से हैं, किन किन आधारों पर पांच जगत जीवों को पांच जगतों में बांटा गया, तो जीवों को ये पांच जगतों में किस आधार पर बांटा गया। तो सबसे पहला मैं आपको बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, सबसे पहली पॉइंट है कि कोशिका का प्रकार, ठीक है, पहला तो है कोशिका के प्रकार के आधार पर क्या है इनको बांटा गया है, किसके आधार पर, कोशिका का प्रकार, टाइप ऑफ सेल या कोशिका का प्रकार, या हम कह सकते हैं कोशिका की जटिलता के आधार पर, कोशिका की जटिलता के आधार पर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, ठीक है, कोशिका के प्रकार के आधार पर या
कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑफ सेल कोशिका की जटिलता क्या था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोशिकाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका और दूसरी कौन सी होती है यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका। देखिए कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, मैं आपको बता दूं, पहली है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका आपको हिंदी में असीम केंद्रीय कोशिका के नाम से जाना जाता है, असीम केंद्रीय कोशिका भी कहा जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका को क्या कहा जाता है, ससीम केंद्रीय कोशिका कहा जाता है। कौन सी कोशिका कहा जाता है, ससीम केंद्रीय कोशिका, उसे क्या है कहा जाता है। इन पर हम विस्तृत रूप से नेक्स्ट चैप्टरों में आपसे बात करेंगे और इस बारे में भी हम अगले वीडियो में आपसे क्या करेंगे, इन पर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। देखिए पहला पॉइंट हो गया, तो पांच जगत के वर्गीकरण का पहला आधार था कोशिका का प्रकार या कोशिका की जटिलता। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसे असीम केंद्रीय और दूसरी होती है ससीम केंद्रीय, ससीम केंद्रीय को इंग्लिश में बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। ज्यादातर ये फेमस शब्द है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ज्यादातर हम इन्हीं शब्दों का ज्यादातर क्या है उपयोग करते हैं। दूसरा वर्गीकरण का आधार था पोषण की विधियां, ठीक है, यानी कि जीव जगत के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और उन जीव जंतुओं के द्वारा जो पोषण होता है वो किस प्रकार से होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं परपोषी होते हैं, अर्थात पोषण की दृष्टि से पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर हम पोषण की विभिन्न विधियों पर चर्चा नेक्स्ट वीडियो में आपसे करेंगे। फिलहाल आप याद रखना कि पांच जगत वर्गीकरण का एक प्रमुख आधार क्या है, पोषण की विधि। तीसरा पॉइंट है जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, जीवन शैली किस प्रकार की होती है उनकी, ठीक है, लाइफ स्टाइल के बारे में कि उनका जीवन चक्र किस प्रकार का होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, हैबिटेट क्या होती है, किस आवास में वो पाए जाते हैं, वो उनकी क्या है एक जीवन शैली होती है, ठीक है। तो ये जीवन शैली के बाद आता है चौथा बिंदु वर्गीकरण के आधार का, चौथे बिंदु पर आपको बात कर रहे हैं और वो ध्यान से सुनना, जीव शरीर की संगठनात्मकता यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि जीव का संगठन किस प्रकार का है, कि भाई जीव का शरीर जीवद्रव से बना है या कोशिका से बना है या ऊतकों से बना है या ऊतक अंगों से बना है या अंग और तंत्र से मिलकर बना है, तो ये क्या है जीव शरीर की संगठनात्मकता। तो वो संगठनात्मकता पर हम आपसे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो जीव शरीर की संगठनात्मकता या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ संगठनात्मकता, संगठनात्मकता जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं जीवों का विकास, जीव का विकास किस प्रकार से हुआ है, उसके आधार पर इनका क्या है, इनको पांच जगतों में क्या है बांटा गया है। और नेक्स्ट या हम जीवों का विकास नहीं कहें तो जाति वृत्तीय संबंध के आधार पर, जाति वृत्तीय संबंध के आधार पर जीवों का क्या किया गया है, पांच जगत वर्गीकरण क्या है आर एच विटेकर के द्वारा किया गया, किसके आधार पर, जीवों का विकास के आधार पर, जीवों का विकास या आपको मैंने बताया जाति वृत्तीय, जाति वृत्तीय संबंध के आधार पर, ठीक है, जाति वृत्तीय संबंध के आधार पर। तो पांच जगत के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन से हैं, नंबर एक कोशिका का प्रकार, नंबर दो पोषण की विधियां, नंबर तीन लाइफ स्टाइल जीवन शैली, नंबर चार बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, शरीर की संगठनात्मकता,
यानी कि संगठनात्मकता कैसी है, कि वो कोशिका से बना है या ऊतकों से बना है या जीवद्रव से बना है या अंगों से बना है या अंग तंत्र से मिलकर के बना है। और नेक्स्ट है जीवों का विकास, जीव का उस जीव का, जैसे हम मोनेरा जगत की बात करेंगे तो मोनेरा जगत के जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ है, प्रोटिस्टा जगत के जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ है, या उनका जाति वृत्तीय संबंध क्या है। ठीक है, इन सभी बिंदुओं पर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे क्या करेंगे, विस्तृत रूप से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हमने जो आपसे चर्चा किया है वो किया है, पहला बताया था कि अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण, पादपों का, जंतुओं का वर्गीकरण कैसे किया। उसके बाद हमने बताया कि भैया जीवों के वर्गीकरण की कई पद्धतियां प्रचलित हैं, जिनमें से दो पद्धतियां जो होती हैं उन दो पद्धतियों को हमारे सर्वाधिक रूप से वैज्ञानिक जो हैं वो उनको मान्यता प्रदान करते हैं और उन्हें व्यापक रूप से, ठीक है, हमारे वैज्ञानिक उसे क्या कर चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं, जिनमें एक हमने बताई थी द्विजगत वर्गीकरण पद्धति और दूसरी हमने आपको बताई थी पांच जगत वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, द्विजगत वर्गीकरण पद्धति में मैंने आपको बताया कि ये पद्धति कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई, जिन्हें वर्गीकरण का जनक या पिता भी कहा जाता है। इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को, ठीक है, दो भागों में बांटा है, पादप जगत और जंतु जगत। उसके बाद हमने बताया आपको पांच जगत वर्गीकरण पद्धति 1969 में आर एच विटेकर ने दी और आर एच विटेकर ने, ठीक है, जीव जगत को पांच जगतों में क्या है बांटा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवा, प्लांटी और एनिमेलियम। ठीक है, पांच जगत का वर्गीकरण के आधार भी हम आपको बता चुके हैं, टाइप ऑफ सेल, मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इन सभी बिंदुओं पर हम आपसे क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। Till then, take care by Corona, be safe and be happy at your home. Thanks very much.